बेअंत शुक्राना दादा जी, आप जी का। रेखा आंटी, आप गुरु जी का, गुरु जी की प्यारी सास संगत का शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इतना भी करें इतना कम है, बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। बहुत सुंदर लोहड़ी का कराया कल, बस ऐसे ही गुरु जी ब्लेसिंग देते रहे सारी संगत को। बहुत बहुत शुक्राना जुड़ने का, ऐसे ही जुड़े रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग लेते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको बहुत बहुत मुबारक हो संक्रांति की। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कहते हैं हमारे गुरु जी के दरबार में आकर तो देखो, एक बार आकर तो देखो, यहाँ तो रहमतें बरसती हैं। कभी अमृत बरसता है तो कभी संगत की आंखें बरसती हैं। ये मेरे रब का प्यार है, ये प्यार के आंसू आंखों से निकलते हैं जो प्रभु के भाव में बह जाते हैं। तो शुक्राना करती हूँ उस मालिक का, हे मेरे प्रभु, ने अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दी है और हम तेरे दर पे आके तेरे चरणों के नजदीक बैठ पाते हैं। तो शुक्राना करती हूँ। और मैं रूपाली आंटी का बॉस्टन, गुरु जी के बॉस्टन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। रूपाली आंटी, आप आए, अनम्यूट करें और अपनी रहमतें हमारे साथ आप शेयर करें। शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी। संगत जी, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, यू आर ऑडिबल रूपाली। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, जो उन्होंने इतनी बड़ी दाद बख्शी मुझे। इसी वीक में बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे तृप्ता आंटी, आपको शुक्राना, आपके थ्रू हुआ। गुरु जी तो है ही, और इधर बॉस्टन के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयरिंग थी। गुरु जी, हम तो आपके नौकर हैं, सेवादार हैं। आप जो बख्श दो हमारी झोली में, हम उसके, हमारे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के। संगत जी, मैंने गुरु जी से बड़ी शक्ति इस दुनिया में नहीं देखी। गुरु जी में सारे ईश्वर वास करते हैं, सारे ईश्वर गुरु जी से निकलते हैं और उन्हीं में चले जाते हैं। मेरे पास हर चीज का प्रैक्टिकल है। मेरे सत्संग में आप सुनेंगे तो आपको हर पल विश्वास होगा कि क्या है वो मालिक। और अगर कोई कहे कि वो गुरु जी हर समय थोड़ी सुनते हैं तो वह ऐसा गलत कहते हैं। आपका पूरा विश्वास है, अंधा विश्वास है। तो गुरु जी आपकी सांस सांस में बसते हैं, घट घट की जानते हैं वो, आपके अंग संग हैं। और संगत जी, गुरु जी सिर्फ आपका भाव देखते हैं और आपका, आपके प्रति, दुनिया के प्रति और गुरु जी के प्रति, बस यही भक्ति का सबसे बड़ा सार है जो मैंने महसूस किया है। और संगत जी, मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई कि मेरे 2014 में मेरा इकलौता भाई 41 इयर्स का नहीं रहा, लिवर सिरोसिस से चला गया। उससे मैं निकल पाती तो 2018 में मेरे फादर नहीं रहे, लास्ट स्टेज कैंसर से चले गए। संगत जी, इन दो चीज़ों ने मुझे काफ़ी डिप्रेस कर दिया, पर मैं किसी से कहती नहीं थी, पर मेरा अंदर सब कुछ टूट गया था। और रात रात भर मैं जागती थी और रोड देखती थी तो लगता था नहीं, मुझे नहीं चलना इस पे। और खाना देखती थी तो गुस्सा आता था, पर किसी से भी, मैं घर में किसी को मेरी कंडीशन का नहीं पता था। और मैं साईं बाबा हाथ में पकड़ के सोती थी। एक दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी सोल ऊपर उड़ते मैं देख रही थी और मैं इतनी हेल्पलेस फील करती थी। फिर एक दिन अचानक मैं बहुत रोने लगी तो मेरे अंकल मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए, पर मैं नहीं गई। मैंने कहा मेरा इलाज सोल का है, बॉडी का नहीं है, तो आई विल स्टार्ट योगा एंड मेडिटेशन, इट विल श्योरली इम्प्रूव मी, मतलब मुझे इम्प्रूव करेगा। ऐसे करके मैं, योगा मुझे बिल्कुल नहीं आता, मेडिटेशन नहीं आता, पर मैं कर रही थी। और एक दिन संगत जी, मेडिटेशन में मैं क्या देखती हूँ कि मैं ऊपर उड़ती जा रही हूँ
और सारा एटमॉस्फेयर वाइट और गोल्डन है, और एक गोल्डन बेंच पे कोई वाइट और गोल्डन रॉब में वस्त्र में बहुत गोरे और बहुत नूरानी चेहरे वाले शांत, और जिनके सर पे बाल नहीं है, वो आराम से बैठे हैं और मैं उनकी गोद में सर रख के बड़े आराम से बैठी हूँ। संगत जी, वो इतना अच्छा फेस था, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट मैं कहूंगी। तो मेरी आंखें खुली नहीं रही थी, और जब मैंने आंखें खोली तो मैं बहुत रो रही थी, और मैंने सोचा कि ढूंढा ये कौन है, तो बोले एक ब्रह्म कुमारी में दीदी है, वो बोले हमारे शिव बाबा होंगे। तो उन्होंने फोटो भेजी, तो मैंने कहा नहीं, उनके तो बाल हैं, मैं तो जो देखे मैंने उनके नहीं है, बाल नहीं थे, वो बहुत नूरानी थे। और मैं उनको ढूंढने लगी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने उनको कभी कहीं नहीं देखा। ऐसे करके 6-7 महीने निकल गए। फिर 2019 गुरु पूर्णिमा के एक हफ्ते बाद, 17 तो जुलाई की बात हो गई है, कि मैंने एक मेरी नीलांजना दी सिस्टर है, मतलब जिठानी है, कजिन, उनके स्टेटस में उनके यहाँ सत्संग हुआ होगा, तो मैंने इनका देखा स्वरूप, तो मेरे एकदम से गूसबम्प्स आ गए। और मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ये कौन है, तो बोले क्या हुआ, ये मेरे गुरुजी हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे ध्यान में आए। तो फिर बोले कि ऐसे नहीं आते ये। मैंने कहा आए हैं, तो उन्होंने बोला सर्च करो यूट्यूब पे, तुमको सब पता लगेगा इनका। तो कुछ एक दिन में तो गुरु जी की दुनिया नहीं समझ में आती, तो कुछ एक आध सत्संग सुना, उनका थोड़ा सुना, पर इतना नहीं समझ में आया, इतना इतने महान है ये, कौन है ये, बस थोड़ा सा देखा। और फिर रात हुई, मैं सो गई, तो रात के 2-2.5 बजे के आसपास बहुत जोर से आवाज आई सामने कमरे से, मेरे रूम के सामने वाले रूम से, मुझे ये येलो चोले में निकलते दिखे रूम से, इनके हाथ में कोई ब्लैक कलर का कुछ था, बॉल जैसा। मैंने कहा कौन है, तो बोले मैं गुरु जी, हाँ मैं तुम्हारे घर से सारी नेगेटिविटी लेके जा रहा सी। संगत जी, मैं इतना डर गई और ओढ़ आड़ के सो गई, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं हम तो इतने बड़े उसके लिए, और कौन है क्या है, मैंने कहा पता नहीं। मैं तो बिल्कुल सर तक ढक गया चादर और सो गई, और सुबह सब वही रूटीन में लग गए। जब सब चले गए तो मैं मनीष, तो मैंने सॉरी सॉरी सॉरी, संगत, हाँ फोन आ गया था, व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं हट जाती आंटी। तो उसके बाद मैंने देखा मेरे बालकनी में बहुत बड़ी बटरफ्लाई पाम साइज की, और बालकनी में तो पूरी जाली लगी हुई है, वो अंदर कैसे आई मुझे नहीं पता, वो मुझे दिख रही है और फिर वो चली गई, पर मुझे ये नहीं पता था कि उनका सिंबल है ये या कुछ भी। फिर संगत जी, मैं थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनती थी, और उनका मैंने एक स्वरूप और एक चरण निकाल के मंदिर में रख लिए, स्वरूप अलमीरा में ही लगा लिया कि मेरे अंकल कुछ कहे ना, वो बिल्कुल नहीं जानते थे, और उनके बारे में कोई कुछ कहे ये मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि कुछ था जो मुझे उनकी चुंबकीय शक्ति जैसे उनकी तरफ खींच रहा था, तो मैं खींचती जा रही थी, और मैं ठीक नहीं हुई थी तब भी, रात को जगती थी, और पर वो कुछ नहीं था, मैं उनसे कुछ कहती नहीं थी, मुझे अच्छा लगने लगा था। लाइफ बहुत मतलब एक थोड़ी सिक्योरिटी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा आने लग गई थी, मतलब मैं अच्छा फील करने लगी थी। और फिर संगत जी क्या हुआ कि राखी आई, और राखी पे मैं गणेश जी को टीका लगा रही थी, और मैंने कहा कितने साल हो गए मैंने अपने भाई को टीका नहीं लगाया, और तब गुरुजी के चरण और गुरुजी हमारे घर आ गए। देखिए संगत जी, मैं बात गणेश जी से कर रही हूँ, और इतने में बेल बजती है, और बाहर एक 6 फीट 2 इंचेस ही होगा, वो 6 फीट के ऊपर होगा, एक लड़का यंग सा, इतना फेयर, और खड़ा सामने, बोलते दीदी आप मुझे तिलक लगा दोगे और राखी बांध दोगे। पहले उसने तिलक बोला, जो मेरे मन में 1 सेकंड पहले चल रहा था। मैंने कहा बेटा आप कौन, तो बोले कि आंटी आपने कल मेरी राखी ली होगी ना। मैंने कहा हाँ हाँ कुरियर वाला आया था, उसपे बहुत देर बेल बजा रहा था, और फिर उसने मेरी बजाई बेल, तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो बोले ये राखी है, फिर उनकी मिस हो जाएगी, तो मैंने ली थी, पर मैंने रात को किसी और को दी थी, वो आप तो नहीं थे। तो कहता नहीं नहीं वो मेरे फ्रेंड थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट तिलक की प्लेट लाई, तिलक लगाया, राखी बांधी, वो चला गया। संगत जी, आप बोलेंगे कि मैं आपको बताऊं कि
तीन लड़के वहां रहते थे, वो लड़का उनमें से ना कभी था ना रहा। मैंने इतना ढूंढा, मैंने उन लड़कों से भी पूछा कि आपके साथ एक और था कोई टॉल सा, बोले नहीं हम तीनों वो छोटे छोटे लड़के थे, वो लड़का था ही नहीं। तो देखिए संगत जी महाराज कैसे इच्छा पूरी करते हैं विद इन सेकेंड। फिर संगत जी मेरी मम्मी के पैर में अचानक से प्रॉब्लम आ गई और भाभी सब लोग, उन किसी ने मुझे नहीं बताया था, तो मैंने, मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने उनके लिए अमृत शहद भिजवाई वहीं मेरे होम टाउन में। मम्मा ने एक दो दिन खाई, पर फिर जब वो डॉक्टर ने बोला था कि उनका, उनको शुगर के कारण पैर उनका काटना पड़ेगा, पर संगत जी मम्मी बोली मैं पूरे 2 दिन सलाद खाती रही और मुझे बहुत खुशबू भी आई तुम्हारे गुरु जी की, और वो गुरु जी का जल भी पिया उन्होंने, उनका ब्रेसलेट डाल के। तीसरे दिन जब वो गई तो डॉक्टर ने जब उनकी पट्टी खोली तो बोले उनका पैर पिंक था, मतलब मम्मी बोलती है पैर काटना तो दूर, वो ये भी भूल गया था कि क्यों आए। तो यहाँ पे फिर मेरा विश्वास इतना मजबूत होता गया। फिर संगत जी मेरे पास गुरु जी ऐसे आते थे और कहते थे मेरा सत्संग कर। मैं मतलब जैसे बैठी हूँ, मुझे वो ब्लैक चोले में दिखते थे, तुलसी की माला हाथ में या रुद्राक्ष की, इतना समझ नहीं आता था, मैं चौंक के उठ जाती थी। और मेरे को, मुझे फिर फीवर आने लगा, पर मैंने कहा महाराज मैं कैसे करूं, मेरे अंकल को तो भीड़ भाड़ और गुरु जी का कुछ पता ही नहीं है। और जब मैंने फिर भी जिन ग्रुप्स में मैं ऐड थी तो मैंने उन एडमिन से बोला कि मुझे सत्संग कराना है, और पर मुझे वीकडेज में कराना है, मेरे अंकल को ये भीड़ भाड़ नहीं पसंद, तो मैं उनको नहीं बता सकती। बोले आंटी ऐसा नहीं होता है, यहाँ बहुत संगत आती है और वीकेंड्स पे ही होता है, और उन्होंने फोन रख दिया। अब मैं बड़ी परेशान, पर गुरु जी मेरे सामने ऐसे आते थे, मेरे को समझ नहीं आता। फिर मुझे फीवर नहीं गया था मेरा, और मैंने फिर उन अंकल को फोन किया कि अंकल मुझे ना कुछ बॉदर कर रहा है, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। तो बोले, अब मैंने उनको ये बात मंडे को कही तो बोले अच्छा आंटी अब आप इतना बोल रहे हो तो मैं मैसेज डाल देता हूँ। संगत जी 250 लोगों के ग्रुप में, 250 से ज्यादा उस ग्रुप में लोग, उन्होंने पूरा मैसेज बना के डाला सत्संग का। और जब हमारे यहाँ थर्सडे को सत्संग था, 25 सितंबर को 2019, और उस दिन संगत कितनी आई होगी, 13 संगत, हमारा फ्लोर था 13, और 13 संगत आई। और संगत जी वो ऐसा सत्संग हुआ, जब वो संगत, उन्होंने अपनी बहन और मम्मी, बहन और वाइफ को भेज दिया था मेरे पास, उन्होंने पूरा दरबार, एक ने फ्लावर्स डेकोरेट करना शुरू कर दिया, एक ने कड़ा प्रसाद बनाना, ग्रिल सैंडविच बनाना, जो जहां जिसको समझ में आया संगत जी। और मैं सिर्फ महाराज के सामने बैठकर उनके स्वरूप में मुझे साक्षात शिव जी नजर आ रहे थे, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं उनके सिर्फ चरण कमल दबा रही थी वो पूरे 2 घंटे, और मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मुझे नहीं पता मेरे खुद के घर में कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। इतनी ब्लेसिंग महाराज की, इतनी ब्लेसिंग मुझे मिली हर शब्द में, हर भजन में, इतना डूब गई मैं, और ऐसा लग रहा था मैं क्योर हो रही हूँ, एक एक सेल मेरा क्योर हो रहा है। और जब सत्संग ओवर हुआ तो जब वो संगत जाने लगी तो बोलते हैं आंटी आप बहुत ब्लेस्ड है, देखिए गुरुजी ने आपकी दाल माखनी खाई। उन्होंने न्यू नैपकिन गुरुजी के दरबार पे रखा था मेरे सामने ही पॉलिथिन से निकाल के, उसमें पूरा दाल माखनी का निशान था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी बोले आपके फ्लोर पे 13 संगत आई है और 13 ही गुरुजी का सबसे लकी नंबर है। और देखिए संगत जी, और आप बिलीव करेंगे संगत जी, मैंने एज अ हाउसवाइफ मैंने ये छुप के किया था सत्संग। तो संगत जी मुझे 3-4 दिन बाद, जितने मैंने उसमें, कोई कहेगा कि मेरा 2.5-3 हजार में सत्संग हो गया, और वो जितने पैसे थे वो मुझे शिव पुराण के बाजू में रखे मिले। मैंने कोई पैसे नहीं रखे थे, मैंने सबसे घर में पूछा महाराज क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता, पर वो इतना इतना प्यारा रब है हमारा। और उसके बाद संगत जी 13 अक्टूबर का एक सत्संग का मैसेज आता है, 11 अक्टूबर को मैं पढ़ती हूँ 2019 की, 13 को सत्संग है, और गुरु जी का एकदम से ऐसा हुक्म आता है, वो कुछ मेरी बेटी के बारे में मुझे दिखा देते हैं और बोलते हैं तेनू जाना, ऐसे करके मुझे आवाज आती है महाराज की। अब 13 को मेरी बेटी का बर्थडे और 14 अक्टूबर को उसका पेपर,
अब मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम कि मेरे अंकल वैसे ही चिढ़ जाते हैं सुन के ये सब आना जाना, और मैं कैसे कहूंगी दूसरे दिन पेपर है, पर महाराज का तो हुक्म है, हुक्म तो आप टाल नहीं सकते। तो मैंने इनसे बोला मुझे जाना है करके, तो बोले कुछ नहीं बोल पाए वो, पर गुस्सा हो गए थे मेरे से, छोड़कर आए पर गुस्से में। और उसके बाद संगत जी जब मुझे वहाँ रोटी सेवा, रोटी लेके रोटी प्रसाद की सेवा दी महाराज ने, उसके बाद वो सेवा बिल्कुल बंद हो गई। वो पता नहीं कैसे थी कि मैं रोटी प्रसाद लेके गई, और वहां जाते ही मैंने देखा कि गुरु जी ये कैसा सत्संग है आपका, यहाँ तो आपका स्वरूप नहीं दिख रहा, बॉम्बे में फ्लैट्स में हर जगह संगत, इतनी संगत तो आती है महाराज, महाराज की तो मुझे दिख नहीं रहते महाराज। तो इतने में एक आंटी मुझे कहती है, आंटी आप रोटी में घी लगाने की सेवा करोगे रसोई में? तो मैं चली गई फटाक से, और वहां पे महाराज किचन में स्वरूप में सामने थे, और उन्हीं के सामने मैं पूरे 2 घंटे घी लगाती रही। और तब भी सेवा का मतलब बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था मुझे। तो मैंने कहा महाराज आप दिख गए मेरे लिए यही, मुझे ये सब नहीं समझ में आता था सेवा। तो मैंने फिर मंत्र जाप में बैठी, उसके बाद मैंने धीरे से मोबाइल में देखा तो मेरे अंकल के बहुत सारे मिस्ड कॉल। तो मैंने जैसे तैसे लंगर बस गलप करके खाया पानी के साथ, और मैं भागी। तो एक बहुत ओ, आंटी बहुत मोटी आंटी, बहुत प्यारे से सोनिया आंटी, मुझे हेलो हाय करे थे स्टार्टिंग में, और बोले थे कि आंटी आपको कभी सत्संग करवाना तो हमें से कराइएगा। तो मैंने कहा अच्छा, बस इतनी हमारी बात हुई थी। वो 100 kg से तक के होंगे, और वो मुझे 20 feet दूर दिख रहे थे। इतने में मैं जैसे ही लिफ्ट में जाती हूँ वो मेरे सामने, और इतनी लाइट उनपे से आ रही होती है। वो कहते हैं बेटा तुसी जा रहे हो, ए प्रसाद अपनी कुड़ी खिला देना, और ऐसे पूरी पंजाबी में बोला उन्होंने। और एक डिस्पोजेबल ग्लास टिश्यू से ढका हुआ उन्होंने मुझे दिया, और मैं ले गई और लिफ्ट बंद हो गई। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को वो पूरा का पूरा ऐसे खिला दिया। तो उसमें उसके बाद थोड़े दिन बाद उन आंटी से जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा आंटी थैंक यू, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, मैंने तो आपको इतने दूर देखा। कहती हाँ मुझे भी नहीं पता कि मैं वहां गई, पर मैंने आपको कड़ा प्रसाद दिया ना, तो मैंने कहा नहीं आंटी उसमें 3 रंग की मिठाइयां भी थी। कहती बिल्कुल नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको कड़ा प्रसाद दिया था। और मैंने कहा नहीं आपने बोला था कि यार तुम्हारी बेटी का बर्थडे सी। कहती मैं इतनी पंजाबी कहाँ बोलती हूँ, मैं तो हिंदी बोलती हूँ। और मैंने कहा आप तो बिल्कुल इतनी ठेठ पंजाबी बोल रहे थे। कहती नहीं वो मुझे आपने कब बताया कि आपकी बेटी का बर्थडे था? तो कहती हमारी ऐसी बात ही कहा, मुझे याद आया संगत जी देखिए साक्षात गुरु जी फिर आए, और कौन हो सकता है मेरे रब के अलावा। संगत जी 20 अक्टूबर 2019 को पूरी 360 डिग्री लाइफ बिल्कुल टर्न हो गई, जब मेरे को दिव्य आभा आई मेरे घर में, उनका पदार्पण हुआ साक्षात महाराज का दिव्य आभा के रूप में। और संगत जी उसके बाद जब मैं उनके सत्संग पढ़ती थी तो मैं एकदम दूसरी दुनिया में चली जाती थी। तो उसमें एक सत्संग आया कि लड्डू क्रिकेट बॉल साइज के लड्डू गुरुजी हाथ से प्रकट करते थे, वो मैंने पढ़ा। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को बिठाया, मैंने कहा ध्यान से सुनो, मैंने उनको वो पूरा पढ़ के सुनाया कि गुरुजी कैसे सत्संग सचखंड का प्रसाद प्रकट करते थे हाथ ऊपर करके, और कैसे वो संगत कितनी कितनी ब्लेस्ड होगी, कितनी बख्शीशों से नवाजी हुई होगी जो ये पूरा इतना ऑरा वाला सब देखती और वो ग्रहण करती होगी प्रसाद। संगत जी मैं बस उस फेस में चली गई, और मुझे उससे बाहर आने का ही मन नहीं कर रहा था, और मैं बड़ी खुश हुई कि मुझे ये पढ़ने को ही नसीब हो गया, ये मैंने इमेजिन ही कर लिया। और फिर मैं शाम को भूल गई ये पूरी बात और अपने कामों में लग गई। इतने में मेरी बेटी बोली, मेरे अंकल ऑफिस से आए तो बोली मम्मा जल्दी आओ, तो वो एक शादी का कार्ड लाए थे, उसके संग एक स्क्वायर शेप का बॉक्स था, उसमें बिल्कुल क्रिकेट बॉल साइज के लड्डू थे, और वैसे ही मिश्री इलायची से भरे हुए। बोली मम्मा आपने हमें यही तो पढ़ के सुनाया था ना, बिल्कुल यही चीज थी। मैंने कहा तो फिर वही हुआ कि देर इज नो कोइंसिडेंस इन गुरुजीज वर्ड। मेरा मालिक मुझे मुझे वो लड्डू प्रसाद भी दिया, क्योंकि संगत जी कोई शादी के कार्ड ये कई बार लाए पर कभी मिठाई नहीं आई, पर उन्होंने मुझे विद इन आवर्स वो खुश नसीब भी दी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी ऐसे 25 दिसंबर था, तो मैंने कहा गुरु जी मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, आज इतना बड़ा दिन है, एटलीस्ट रोजेज ही ले आती। संगत जी मैं बैठे सोच रही हूँ सोफे पे, और इतने में मेरी बेटी स्कूल से आती है,
और हाथ में उसके बहुत बड़े बड़े रोजेस, इतने सुंदर फ्लावर्स। मैं कहा ये कहाँ से आए? तो बोलती मम्मा ये बाहर टंगा हुआ था बुके। मैंने कहा, मैंने अपने फूल वाले को फोन किया, वो एक पुड़िया रख के जाता है, गेंदे के फूल 3-4 और तुलसी के पत्ते, बेल पत्ते, ऐसा कुछ। तो मैंने कहा भैया ये, तो बोला भाभी मुझे नहीं पता भाभी जी, मैं शायद रख गया, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं। कहता अच्छा, तो मैंने कहा पैसे, तो कुछ बोला ही नहीं वो। तो संगत जी देखे, मतलब क्या है महाराज, फिर शुक्राना गुरु जी, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। संगत जी इसी वैलेंटाइन डे आया तो मैं बोलने लगी, महाराज मुझे आपके अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता आजकल, मुझे आप ही मेरे वैलेंटाइन हो, ऐसे करके दिन भर उनको लाड़ लड़ाती थी। तो शाम को ये बोले चल थोड़ा सा कुछ पैक करा के ले आते हैं, आज वैलेंटाइन डे है बच्चों के लिए। तो हमने एक सब्जी पैक कराई, बस एक सब्जी ली, घर में चपातियां रखी थी तो एक उसने पैकेट दिया। फिर हम घर आए तो दो पैकेट थे उसमें, तो मैंने कहा आपने और क्या ऑर्डर किया? कहते तो बस सब्जी बोली थी घूंघट करके। तो मैंने कहा नहीं एक और है, वो इतना सुंदर सिल्वर फॉइल वाला लिफाफा था, बड़ा सुंदर था, पर उसका पैकिंग ही बड़ी डिफरेंट थी। खोला तो उसमें येलो कलर की जलेबियां, केसर पूरा स्प्रिंकल्ड। और मैंने कहा ये आपने किप जलेबियां बोली थी? तो बोला नहीं हमने खाई संगत जी, वो मुंह में रखते ही घुल जाए, मतलब इतनी स्वादिष्ट, इतनी स्वादिष्ट। और संगत जी ये बोली शायद कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया होगा वैलेंटाइन पे, हम 9 दिन तड़का करके रेस्टोरेंट है, हम उसके बाद वहां गए भी, मैंने उसे पूछा भी जब कभी नेक्स्ट गए कि आप कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं क्या वैलेंटाइन? कहते हैं हम कभी कुछ ऐसा नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं देते हैं, एक सब्जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। संगत जी वो भी महाराज की इतनी बड़ी, मतलब बड़ी मीठी ब्लेसिंग थी। फिर संगत जी हमारी एनिवर्सरी आई तो मेरे को अपने अंकल के लिए एक लॉकेट प्रसाद चाहिए था, पर मैं किसी भी संगत से उस टाइम तक बहुत नहीं समझ पाई थी, ना बात करती थी, इतने सत्संग में भी नहीं जा पाई थी, एक ही सत्संग में गई थी। तो मुझे किसी से मैं मांगती तो नहीं थी कुछ भी, पूरे महीने में परेशान रही कि कहीं से मुझे एक लॉकेट प्रसाद मिल जाए तो मैं उनको एनिवर्सरी पे दे दूं, पर नहीं मिला। फिर बाई चांस 23 फेब को एक सत्संग था, तो मैंने इनसे कहा मुझे आप गिफ्ट में बस यही दे दो, मुझे सत्संग में भेज देना। तो बोले ठीक है। जब मैं गई तो वहां एक अंकल बैठे, अंकल थे, तो वो अंकल से, अंकल बोले आंटी मेरे से मिल के जाना। तो जब मैं जाने लगी तो उन्होंने मेरी मुट्ठी खोली, मतलब हाथ को बोला हाथ दीजिए, हाथ में कुछ रख के मुट्ठी बंद कर दी। जब मैंने उसको खोला तो उसमें गुरुजी का लॉकेट प्रसाद। तो ये भी कितना प्यारा, कितना मीठा भाव, सारी दुनिया मिल गई उसमें मुझे। फिर संगत जी मेरी बेटी का मैथ्स और साइंस बड़ा वीक था, पर गुरुजी ने इतनी दाद बख्शी कि जब जैसे ही मेरे घर में गुरुजी के चरण और वो आए, मतलब रखे थे, मेरी बेटी ने एक स्वरूप अपनी टेबल पर रख लिया था और उनको सुलाना, उनको उठाना, उनको मोर पंख से सजाया उसने, और मंत्र जाप करके उठना, मंत्र जाप करके सोना, और उसका वो मैथ्स और साइंस में गुरुजी ने उसको, मैं नहीं मानती कि उसकी खुद की मेहनत तो है ही, 8-8 घंटे वो पढ़ने लगी, जो बच्चा मेरी बात नहीं सुनता था, पढ़ने नहीं बैठता था, अपनी ट्यूशन टीचर के पास वो 8-8 घंटे पढ़ती रहती थी, कुछ खाती भी नहीं थी, और इतना पढ़ी और गुरुजी ने उसको डिस्टिंक्शन दिलाई, अबव 85% मार्क्स आए। इतना इतना गुरुजी ने मेहर करी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और फिर संगत जी कोरोना स्टार्ट हुआ तो एक दिन मैं बहुत डिप्रेशन में हो गई कि कैसा है ये टाइम, हर जगह सब कुछ बंद, घर में बंद, अब ये कैसे निकलेगा ये पीरियड? आप मानेंगे संगत जी, मेरे अंदर ध्यान थॉट भी गुरु जी डालते हैं। मैंने किसी पुरानी संगत जी का, अंजना मैनी जी का सत्संग लगा लिया, और उन्होंने बोला कि बड़े मंदिर में गुरु जी इतना प्यारा अनुभव कराते थे, पूरे में जुगनू जुगनू होते थे और बड़ा खूबसूरत लगता था, और हम एक अलग स्वर्ग की दुनिया में चले जाते थे। और वो सुनते सुनते मेरे को इतना अच्छा लगा कि ऐसे गुरु हमारे साथ हैं, ऐसे रब हमारे साथ हैं। मैं डिप्रेशन में जा रही थी, मुझे माफ करना गुरुजी, भूल चूक माफ करना, और बस मैंने इतना माफी मांगी और शुक्राना किया, और पूरे घर में फ्रेग्रेंस, हर इंसान, हर चाह, सब ने महसूस किया, ये बोले इतनी तेज रोजेस की फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है? तो महाराज ने बोला कि तो मैं हूँ तेरे साथ। और उसके बाद संगत जी एक दिन रात को
मेरे को मैं ले मेरे हस्बैंड बोलते हैं तूने झूले पे ऐसा ये चुन्नी क्यों डाली हुई है हमारे रूम में, डबल सीटर झूला है। तो मैंने कहा यहाँ गुरुजी आते हैं, कहते जहाँ देखो वहाँ तेरे गुरुजी आते हैं, सोफे पे भी एक सीट रिजर्व करी है, सिंगल सीटर झूले पे भी बोलती है गुरुजी आते हैं। मैंने कहा बस आते हैं, तो ऐसे करके मैं सो गई। तो रात को मुझे क्या देखती हूँ कि एक पूरा कमरा है जहाँ पर एक आधे लेटे हुए येलो कलर की ऐसे धोती पहने और खूब जटाधारी बाल है, और है वो गुरुजी और मोबाइल कर रहे हैं, मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ उनको, और मैं संगत जी उठ के बैठ जाती हूँ और आंखें खोलती हूँ, तो मेरे आंखों के सामने वो ही सीन, मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता कि कुछ और है रूम में, मुझे वो ही पूरा साक्षात दिख रहे होते। तो मैं 5 मिनट अपनी आंखें मलती भी हूँ पर मुझे वो ही दिखता रहता है। फिर मैं रोने लगती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं अभी इतनी प्रिपेयर नहीं हुई है, इतनी मैं तो मतलब पापों से भरी हुई हूँ। मैं फिर मेरे को नॉर्मल दिखा, मैं जब मैंने उनसे माफी मांगी तो साक्षात शिव रूप में उन्होंने मुझे उस दिन दर्शन दिए। और उसके बाद संगत जी मैंने अचानक से मेरे मन में आया तो मैंने दूध सेवा शुरू कर दी गुरु जी की। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसे दूध रखना, रात को मतलब खौलता गर्म दूध रख देती थी गुरु जी के पास और एकदम चिल्ड वाटर। तो मैंने कहा ये सेवा ठीक है कि नहीं, कुछ सेवा का कुछ खास मतलब नहीं पता था। तो मेरे को मैं दो दूसरे दिन जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मा गुरु जी के जो चरण आपने मंदिर में रखे उसमें देखिए कितनी बड़ी मलाई चिपकी हुई है, उसमें से दूध निकल रहा है। तो मैं जाके देखती हूँ तो सच में दोनों चरणों के बीच में मोटी मलाई चिपकी हुई और उसमें से दूध बह रहा। अब मतलब अनबिलीवेबल था वो, और वो 1 महीने तक वो ऐसे ही चिपकी रही जब तक हमारा कांदीवली मंदिर में कोरोना के टाइम में सत्संग था तो उसमें मैंने टीका लगाया तब वो गिरी। तो संगत जी हर सेवा का अपना महत्व है, कुछ दिन गुरु जी ने वो भी बताया। फिर उसके बाद संगत जी एक दिन गुरु जी ने मुझे सपने में दिखाया कि केक कटिंग हो रही है और बिना आइसिंग का केक। तो मैं ये मैसेज ऐसे ही रैंडम लिख देती हूँ कि ग्रुप में, एक ग्रुप में पता नहीं गुरुजी लिखवाते हैं, तो कि आज मुझे ऐसा ड्रीम आया तो कि बिना केक का, बिना आइसिंग का केक कट रहा है। तो एक संगत का 5 मिनट बाद ही फोन आता है कि आंटी आपके उसमें मेरा आंसर था, क्योंकि मेरे को केक बनाते तो आता है पर आइसिंग करते नहीं आता हूँ, मेरे बेटे का कल बर्थडे हो, मुझे एक सत्संग में केक ले जाना था। तो संगत जी वो हर संगत से कुछ ना कुछ अपना मैसेज भी दिलवाते हैं, गुरु जी एक माला है और हम सब उसके छोटे बड़े मोती हैं, जिसके साथ वो किसके साथ क्या करवाते हैं, हम सिर्फ बस उनकी रजा में राजी रहे। और संगत जी आप मानेंगे कि एक एक तो मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ कि एक संगत थी, अचानक से ग्रुप में मैं देखती हूँ मैं खाना खा रही होती हूँ, और खाना खाते ही मैं उनका नाम देखती हूँ और उनको फोन कर लेती हूँ और पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ। बाद में वो संगत अपना सत्संग शेयर करती है कहीं और वो मुझे बोलती है आप ये जरूर सुनिए। जब मैं सुनती हूँ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें वो जिक्र करती है, मेरा नाम लेती है कि उन आंटी ने मुझे फोन किया और बोला कि तुम्हारे अंदर ऐसे डिप्रेशन में क्यों हो, तुमने डीपी क्यों नहीं लगाई है, और तुम मेरे अंदर, और वो मैं डांटती हूँ उनको, मैंने तो ऐसा कुछ पता नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और कहती है कि एक रात पहले ही मैंने, उन्होंने अपने आप को ही सुसाइड नोट लिखा था और वो मरने वाली थी पर साक्षात गुरुजी आए और गुरुजी ने उनको, उनकी सोल को बहुत डांटा। फिर वो सुबह उठी और उन्होंने माफी मांगी गुरुजी से और फिर उनके पास मैं फोन करती हूँ, संगत जी देखिए मेरा कोई रोल, हमारा कोई रोल नहीं होता, महाराज ने उनको मेरे थ्रू सारी बात कही, उन्होंने जो जो बताया मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो संगत जी वो हमसे सेवा करवाते हैं या कहलवाते हैं ये सब महाराज की मर्जी है, पर वो कैसे यंगस्टर्स भटके हुए लोगों को भी कैसे रास्ता दिखाते हैं, कैसे जाने भी बचा लेते हैं, कैसे नई जिंदगी दे देते हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी और टेलीपैथी की सेवा भी बख्शी उन्होंने मुझे। एक दिन बोलते हैं मैं कोरोना में मेज तो आती नहीं थी, तो बोलते हैं कि मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धोते धोते बोलते हैं कि तूने देव बाबा और शिव पुराण की सेवा करनी है रीडिंग की। तो मैंने कहा महाराज ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है, अभी तो मेरे को कुछ ठीक से नहीं आता, अभी तो थोड़ा मैं सत्संग ही कर पाती हूँ।
तो मेरे हाथ में कांच का ग्लास था वो टूट जाता है। तो मैं सोचती हूँ महाराज शायद गुस्सा हो गए, तो मैं उन अंकल जिनके ग्रुप में मैं सत्संग शेयर करती थी, तो उनको मैं कॉल करती हूँ कि मुझे ऐसे दिव्य आभा पढ़नी है शिव पुराण की, तो मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाती, इतना वो ग्रंथ भी, इतना अपने आप में शिव पुराण का पढ़ना और दिव्य आभा भी मिलना बड़ी मुश्किल की बात है। तो बोलते हैं कि कौन सी दिव्य आभा, आई डोंट नो एनी दिव्य आभा, और फोन काट देते हैं। अब वो भी नए जुड़े होते हैं, तो मैं कहती हूँ देखिए महाराज ऐसे कैसे समझ नहीं आया, कर दिया मैंने। पर एक हफ्ते बाद उनका फोन आता है, कहते हैं आंटी आप दिव्य आभा पढ़ोगे और शिव पुराण भी पढ़ोगे। संगत जी गुरु जी ने उससे मुझे बोला था कि एक हफ्ते विच देख लें, तेनू खुद फोन करेगा। और थर्सडे को इन्होंने मुझे बोला देख थर्सडे ना अंकल का फोन आया। तो हम तो नौकर हैं, हमें जो सेवा मिले वो हमारी एक बहुत बड़ी बख्शीश है, तो वो भी मिला करने। संगत जी मैं नीवापन से अगर कहीं गलत जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिए, पर बता रही हूँ कि गुरु जी कितना ब्लेस करते हैं और कितना अंग संग रहते हैं। और संगत जी ऐसे ही मेरे एक दिन मैं सत्संग कर रही थी, तो मेरे बेटा सो के उठा और बोला मम्मा, तो मैंने कहा अभी सत्संग हो जाने दे फिर बात करती हूँ। जब सत्संग हो गया तो बोला मम्मा आपने ये गुरु जी के स्वरूप को हटा के कृष्ण जी क्यों रख दिए। उसको संगत जी गुरु जी ने, गुरु जी का स्वरूप था वाइट चोले वाला, उसमें उसको पूरे कृष्णा का फेस दिखा। मैंने कहा कहाँ, कहते ये देखो ना मम्मा ये उनके घुंघराले बाल और ये उनकी बांसुरी। मैंने कहा कहाँ, कहते ये दिख नहीं रहा, उसको कृष्णा दिखाए गुरु जी ने। तो संगत जी कैसे क्या करते हैं महाराज, वो तन्नी सी जान तो झूठ नहीं बोलेगा, 8-9 साल का था तब वो। और अभी संगत जी फिर गुरु जी ने एक दिन मुझे ये भी बताया कि जैसे हम फोन की तार से सिर्फ सत्संग शेयर करें, अपना दुख नहीं सिर्फ गुरु जी का सत्संग शेयर करें, तो 1000% ब्लेसिंग्स बढ़ जाती हैं। मेरे अंकल को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी आईज में, तो मैं काफी परेशान थी, और तो अचानक से तृप्ता आंटी का मैसेज फोन आ जाता है और मैं तो उनको कुछ नहीं बताती हूँ। और वो कहती है बेटा गुरु जी का जिक्र करो, फिक्र मत करो। और ये 3 बार मेरे कानों में इको होती आवाज और मुझे आंसर मिल जाता है, और उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। फिर जब उनका ऑपरेशन होता है तो वो उसी टाइम एक संगत जी US में रहती है, वो अचानक से कभी भी फोन करके सिर्फ सत्संग करने कहती है गुरु जी का। चलो आंटी सत्संग करें, हमें उनके घर में क्या है मुझे नहीं पता, मेरे घर में क्या उनको नहीं पता। और हमने 11:15 से लेके 11:45 तक सत्संग किया। और जब मेरे अंकल आए वापस तो बोले कि मुझे ना एंजाइटी हो गई थी, जैसे ऑपरेशन शुरू होने वाला था 11:15 बजे, और करीब 11:45 तक नहीं हो पाया ऑपरेशन। और संगत जी देखिए वो ही पीरियड सात समंदर पार से गुरु जी ने एक संगत के थ्रू ब्लेसिंग भेजी। क्या बोलेंगे आप ऐसे महाराज को। और मतलब हम फोन से हो सके तो जितना भी करें सत्संग ही करें, गुरु जी का ये जो जूम लिंक है ये सब एक तार से पता नहीं कितनी सोल्स कितना कुछ वो होता है, हम समझ ही नहीं सकते गुरु जी की दुनिया। पर हाँ हम ये कर जरूर कर सकते हैं, गुरु जी का जितना हो सके गुरु जी का गुणगान, गुरु जी का सत्संग करें। संगत जी भरे कोरोना में मुझे दांत में दर्द हो गया, अब ऐसा पीरियड था वो कि उसमें दरवाजा तक यही खोलते थे मेरे अंकल, और डस्टबिन भी बाहर रखना, मतलब कुछ भी बाहर तक जाना अलाउड नहीं था। अब ऐसे में मैं बोलूं दांत में दर्द, और इतना सीवियर था वो कि मेरे को कुछ खाने पीने चाय पानी कुछ नहीं हो रहा था। मैं गुरुजी के सामने ऐसी खड़ी हो गई, गुरुजी क्या करूं। तो गुरुजी बोले मेरा जल रखा सी ना, उसमें मैंने एक लौकिक प्रसाद उनका जल में डिप किया हुआ था, तो बोले इससे कुल्ली कर ले। तो मैंने कहा महाराज ये तो अमृत है, हम लोग जरा जरा सा लेते हैं, इसमें आप खुद हो अभी। तो बोले कुल्ली कर ले आवाज आती है। तो मैं पता नहीं मैंने माफी मांगी उनसे और जितना उन्होंने बोला कुल्ली करके सो गई। संगत जी दूसरे दिन मैं उठी, मेरे को पेन का 1% भी नहीं पता लग रहा था। मैंने बड़े मजे से चाय पी, और आज तक मैंने उसमें कोई रूट कैनाल नहीं कराया, उसमें होल है कुछ है, पर मैं सब उस दांत से तो मैं 2 साल से ठीक से नहीं खा पा रही थी, और अब मैं सब कुछ खाती हूँ। ये भी महाराज की मेहर है और कोई नहीं, वो हमारे बैद्यनाथ हैं, सब कुछ है संगत जी। बस अगर आंख बंद करके विश्वास करो तो वो क्या कहाँ तक नहीं देते हैं। फिर संगत जी
एक दिन मेरी सिस्टर का मतलब फोन आता है, उसको ना संगत जी मुंह से खून आ जाता है, नस कोई उसकी लंग्स की वीक है। तो ये बात मुझे उन लोगों ने 2-3 महीने से उसको ये प्रॉब्लम थी नहीं बताई। जैसे ही मुझे पता चलता है, मैं एक संगत को आगरा में कॉल करती हूँ। बेचारी वो संगत जी सेवादार, देखिए आप यहाँ पे कि वो बिना, जैसे ही मैं बोलती हूँ वो उठती है, वो कहीं से 1 घंटे लगा के जल प्रसाद लाती है बिना अपनी मम्मी को बताए, अनमैरिड लड़की। और जब वो जाती है वो फिर मम दीदी को देती है और मेरे को फोन करके कहती है, दीदी मुझे ना जल प्रसाद थोड़ा सा दीदी से चाहिए था पर नहीं मिला। तो मैंने कहा बेटा क्यों चाहिए था? तो बोली आंटी मेरे को ना 2 दिन से डिहाइड्रेशन है और मैं अपनी मम्मी से छुप गया। मेरे संगत जी मतलब रोना निकल आया, बेचारी फिर हॉस्पिटलाइज भी हुई, पर उसने वो सेवा की। ऐसे सेवादार आपको गुरु परिवार में ही मिलेंगे, मैंने ही देखे ऐसे सेल्फलेस सेवादार। और महाराज की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है जो ये परिवार, ये गुरु संगत, ये गुरु जी हमें मिले, अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मेरी भाभी की बेटी को कोरोना में ही टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब मिला, और जबकि वो सिर्फ 6 महीने IIBM कॉलेज में पढ़ी थी, फिर चली गई थी, कोरोना स्टार्ट हो गया था। और क्योंकि गुरुजी ने वहाँ पे सत्संग करवाया और उसके जस्ट एक दिन बाद ही उसका जॉब ऑफर आ गया, और अभी मेरी भाभी का बेटा कुछ बीमार हो गया तो वो चली गई है अपना जॉब ऑफ, सब ऐसे ही सब सामान मेरे पास ही छोड़ के। और संगत जी उसी बीच गुरुजी ने, पता नहीं, मैंने अपने अंकल का कार्ड जॉब का गुरुजी के चरणों पे ही रखा है, तो मैंने वहीं उसका कार्ड भी रख दिया कि गुरुजी इसकी जॉब को खतरा ना हो, अभी 1 साल ही तो हुआ इसको ज्वाइन किया हुआ। और उस उसको प्रमोशन, उस जब वो आई तो बोली बुआ मुझे प्रमोशन कैसे मिल गया, मैं तो 2 महीने से वहां थी। तो मैंने कहा बेटा मैंने तुम्हारा ये कार्ड यहीं रख दिया था इनके चरणों में, सारी दुनिया के मालिक के। तो एकदम जैसे कहते हैं ना चरणों में गिर गई, मतलब उसको इतना इतना संगत जी मेरे पास तो शब्द ही नहीं है महाराज की बड़ियाई करने के लिए। संगत जी मेरी फिर 31 मई को मेरे फादर इन लॉ को 21 मई को 2022 को अचानक से चक्कर आया और वो कोमा में चले गए, और मैं 31 मई को समाधि दिवस के दिन उनसे, गुरु जी से ऐसी मनी मन बात कर रही थी कि महाराज क्या है ये समय, कुछ करिए। तो एकदम से संगत जी फोन तो बंद था पर गूगल खुल गया और उसमें उनकी एक फोटो पॉपअप होकर आ गई। लास्ट ईयर महासमाधि दिवस वाले दिन गुरु जी का जब मैं सत्संग कर रही थी तो उनके चोले में मुझे पाप मेरे फादर इन लॉ का फेस दिखा था। और मैंने जब मम्मी को कॉल किया तो बोली कि बेटा, मैंने कहा मम्मा पापा कहाँ हैं, कोरोना में ये लोग अकेले थे वहां पे तब, तो बोले बेटा वो बहुत बुरे गिरे हैं और 2 लोग उनको छोड़ के गए थे। और जब मैंने देखा तो पापा बहुत बुरे गिरे थे और 3 महीने उनको ठीक होने में लगे, उसके बाद हमने उनको यहाँ बुला लिया था। पर फिर सेव उन्होंने खूब एंजॉय किया, पर महाराज की आवाज आई कि मैं 1 साल देता, एक सांस कोई नहीं दे सकता संगत जी एक्स्ट्रा। पर महाराज ने वहां हमारे होम टाउन जबलपुर में 3 बेटे 3 बहुएं हर जगह दूसरी जगह, वहां उनको कुछ होने नहीं दिया। हम सब जब यहाँ थे तब महाराज ने हमारी आंखों के सामने सब हुआ और हमने उनकी सेवा भी करी, सब करी। और 10 जून एकादशी वाले दिन वो महाराज के चरणों में गए, पर महाराज ने पूरा मतलब हमारे ऊपर कोई वो नहीं आने दिया। तो महाराज सब हर तरफ है, हर जगह है और हर समय करते रहते हैं, और हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो रब इतना करता है, इतना करता है। और संगत जी मुझे लास्ट ईयर दिवाली पे बहुत फीवर आ गया था, तब मेरे इन लॉज भी थे तो मैं किसी से कुछ बोली नहीं कि मुझे फीवर है वरना मैं कुछ काम करने नहीं मिलेगा करके। तो और मैं एक दिन रात, दिवाली की रात तो इतना बढ़िया कि मैं उनकी दिव्या अपने चिपकाए हुए सो गई अपने से। और फिर मेरे सारे टेस्ट हुए पर कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मतलब सबको लगा कि इसको पक्का कोरोना होगा, पर महाराज ने मुझे इससे ऐसे बचा के रखा। 10 दिन मैं क्रोसी नहीं खाती रही पर कुछ भी नहीं होने दिया। ये भी उनकी नेमत है, उनकी बख्शीश है, बहुत है, बहुत है संगत जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी मेरी बेटी का कॉलेज में एडमिशन होना था तो हमने
आंख बंद करके उसका कहीं नहीं, सिर्फ नरसी मोंजी कॉलेज के लिए अप्लाई किया था और सब कुछ उनके ऊपर डाला हुआ था और इतने बच्चे वेटिंग लिस्ट में, किसी का कहीं, और हमने, मैंने महाराज, तो मेरी बेटी को तो बहुत, उनकी बेटी है वो, इतना प्यार करते हैं, तो यहीं पे नियरेस्ट, जो सबसे नियरेस्ट ब्रांच है, वहीं उसका एडमिशन हो गया, टॉप रैंकिंग में हो गया, हमें कहीं परेशानी नहीं उठानी पड़ी। ये उस मालिक की दात है और कोई नहीं है जो ये कर सकता था। फिर संगत जी, मेरी मम्मी का भी बस थोड़ा शुगर के कारण पैर, अंगूठा तो कटा, पर फिर डॉक्टर ने बोला इनका पैर भी काटना पड़ेगा, पर महाराज ने एक संगत को अपने आप घर भेज दिया, उससे सत्संग करवाया, उसने 2 घंटे बैठ के सत्संग किया। फिर मेरी दीदी आई, दूसरे दिन मम्मी को अपने साथ अपने शहर आगरा ले गई, इतनी मेहनत की और उनका पैर कटने से पूरा बचा लिया। सोच लीजिए संगत जी, कोई अपनी माँ के एक अंग कटता देखे तो कैसा लगता है, पर महाराज ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। मेरी भाभी को, जो भाभी मेरी 39 ईयर्स की तो थी जब भैया नहीं रहा, पर महाराज, उनका विश्वास तो हिल गया था, पर महाराज ने उनको इतना प्यार दिया, वो एक सत्संग में अचानक चली गई। तो संगत जी, आप सोच सकते हैं कि उनके जो उनके सेवादार आए थे महाराज के, तो वो एक महाराज जी का यूज्ड नैपकिन और एक टॉवल लाए थे, तो वो भाभी, इतनी संगत में उन्होंने बोला ये आप पकड़ के खड़ी होंगी और कोई संगत इसको नहीं छुएगी, सिर्फ ये ही, और भाभी को वो पकड़ने मिला और दूर से उसके दर्शन करके हर संगत जाएंगी। 300 संगत, 400 संगत भाभी के पास आके दूर से दर्शन करते हैं, और भाभी बोलती है मैं लगातार रोती गई हूँ और मेरे पूरे शरीर से इतनी तेज खुशबू आ रही थी, मैं जैसे नहा गई, इतना महाराज ने, जो प्योर सोल है वो, तो उनको इतना इतना कवर किया, इतना प्यार दिया और विश्वास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ, जो बुरा समय है वो भी कट जाएगा। फिर संगत जी, अभी 29 नवंबर को हम लोग एक मैरिज से लौट रहे थे भोपाल से, तो जिस गाड़ी में मेरे अंकल, मेरी मदर इन लॉ, मेरा छोटा बेटा और मेरे देवर का बेटा था, वो अचानक से इनका फोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया। हम लोग आगे निकल गए थे, हम लौट के आते तो गाड़ी आधी टेढ़ी डिवाइडर से टकरा के पूरी उल्टी हो गई थी, ड्राइवर की सीट का कांच टूट गया था, इनका लैपटॉप का बैग बाहर आ गया था और सब एक दूसरे के ऊपर थे, पर संगत जी सब सेफ, किसी को एक खरोंच भी नहीं आई। अब आप सोच लीजिए, वो कार को देख के मैं तो रोने लगी, पर महाराज ने, क्यों संगत जी ऐसा हुआ, क्योंकि जो मेरा बेटा था वो पैनिक मोड में, 12 12 ईयर्स का है वो, मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो जैसी कार उल्टी हुई और मेरा देवर का बेटा कराहा, क्योंकि उसके ऊपर मेरा बेटा था और उसके ऊपर मेरी मदर इन लॉ, तो जोर से कराहा, तो मेरा बेटा बोला शुभ भैया बोलो जय गुरु जी, बोलो जय गुरु जी, तो उसने जैसे ऐसा बोला जय गुरु जी कराते हुए, और बस कहते हैं टैप 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 करके कहाँ से 15 20 लोग आ गए और पूरी गाड़ी सीधी कर दी, किसने दरवाजा खोला, क्या हुआ, पर सब एकदम सेफ। तो मेरे दाता ने इतनी बड़ी दाद इन बच्चों को बख्शी है कि कोई माँ बाप को याद करता है पैनिक मोड में, टफ सिचुएशन में, तो इन लोग बच्चे गुरु जी को याद करते हैं और गुरु जी बड़ी मेहनत करते हैं। तो संगत जी, मेरी बेटी कॉलेज से लौट रही थी तो बोलती है मम्मा, अचानक से मैं और मेरी फ्रेंड स्टेशन जा रहे थे और अचानक से 3 लड़के बाइक से एकदम तेजी से आए और ऐसा लगा कि वो मेरा बैग छीन के भाग जाएंगे, पर मैंने एक सेकंड के लिए महाराज को याद बस किया और मैंने देखा कि वो एकदम से आगे बढ़ गए और एक आंटी का बैग छीन के भाग गए। अब संगत जी, वो खुद बता रही है कि मम्मा वो मेरे पास ही आए थे, मेरे बैग में लैपटॉप पैसे और आगे निकल गए, पता नहीं कैसे, क्योंकि गुरु जी। और फिर कहती है अभी परसों मुझे ऑटो नहीं मिल रही थी, मैं तो बाहर निकली नीचे, मैं और कॉलेज के लिए लेट हो गई थी, तो मैंने कहा गुरु जी ऑटो सामने ही मिल जाए वरना मेरे को अंदर घुसने नहीं मिलेगा, पंचिंग हो जाती है कॉलेज में तो एंटर नहीं, तो सामने ऑटो मिल गई। कहती है मम्मा वो ओम नमः शिवाय जोर जोर से बोल रहा था वो ऑटो वाला और कहते मुझे ये याद नहीं मैंने उसको क्या बोला क्या नहीं, क्योंकि वो इतनी जोर जोर से ओम नमः शिवाय, और कहते मुझे उसने ठीक स्टेशन के सामने उतारा, कहती और एकदम चला गया तो
क्या है ये, हम सोचते हैं कि गुरु जी हर छोटी चीज में नहीं होंगे, हर बड़ी चीज में हम उनको याद करेंगे, वो उसी समय वहां होंगे। इससे बड़ी दात कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती। इतनी मेहर, इतनी मेहर, इतनी मेहर दाता, मेरे पास शब्द नहीं, शब्द नहीं है। मेरे पास शुक्राना करना नहीं आता संगत जी। एक दिन तो ये भी हुआ कि मैं बहुत परेशान सो गई किसी बात, तो महाराज सुबह सपने में आए और बोलते हैं कि होया, तो मैंने कहा पापा बाबा गुरु जी मुझे ना आपका शुक्राना करते नहीं आता, आप हर बार मुझे बचा लेते हो, मुझे हम संगत को आपका बेअंत शुक्राना करना नहीं आता हमको। तो बोलते हैं कि होया, फिर शुक्राना दे बदले शुक्राना कर दी जा, पर शुक्राना कर दी जा। और फिर वो अपनी संगत को लेके चले गए, तो संगत जी उन्होंने यही बोला कि शुक्राना एक महामंत्र है, भूल चूक माफ करते रहे, अपनी चरणों में रखे रहे। संगत जी बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग है, मैं आपके संग फिर आऊंगी और भी सत्संग बताऊंगी। आज इतने पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम। और संगत जी आप सबको शुक्राना मेरे सत्संग सुनने के लिए, गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए। आपके चरणों में नमन, हर संगत के चरणों में नमन, गुरु जी आपके चरणों में नमन। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना मेरे मालिक, अपने गुणगान, अपना सत्संग हमें भी सुनवाने के लिए दाता, आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आप जी का गुणगान सुन के हम निहाल हो जाते हैं और प्रभु से कहती हूँ कि मेरे मालिक, कतरा कतरा तेरे गुणगान सुनकर मेरे हलक को तर कर जाता है। गुरु जी, मेरी रग रग में तेरी मोहब्बत सफर कर जाती है। तो शुक्राना करते हैं मालिक का कि कुछ मुश्किल कितनी भी आए, कहते कोई तेरे साथ नहीं तो गम ना कर, गुरु जी पर विश्वास को कभी कम ना कर, ये जिंदगी गुरु जी के सहारे ही जाएगी गुजर। जिंदगी में गुरु जी से बड़ा ना मिलेगा कोई हम सफर। तो शुक्राना करते हैं मालिक का जिन्होंने हमें भी अपनी शरण में लेकर हमें निहाल कर दिया है। और रूपाली आंटी, बहुत बहुत ब्लेस्ड, प्रभु की नजरों में आप, जय गुरु जी आंटी, मालिक ने आपको बहुत बहुत रहमतें बख्शी हैं, और मालिक ऐसे ही सबको ब्लेस करता रहे, सबको अपनी रहमतों से निहाल करे, सबकी झोलियां भरता रहे मेरा परमात्मा, और किसी को भी कोई तकलीफ ना आए, सबके बिगड़े कार्ज मेरा रब संवारे। शुक्राना करती हूँ उस मालिक का, बेअंत तो शुक्राना करती हूँ, और शुक्राना करते करते ही ये जिंदगी हमारी जाए गुजर। जय गुरु जी। संगत जय गुरु जी, अनंतम जी, शुक्राना। संगत जी, किसी और ने अगर अपना शुक्राना सत्संग करना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। अंजू डोगरा आंटी, आप अनम्यूट कर पाएंगे? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतने प्यारे सत्संग सुनाने का रूपाली आंटी, तृप्ता आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। रूपाली आंटी के सत्संग से एक सत्संग गुरु जी ने अभी याद दिलाया शुक्राने का, कि संगत जी कोरोना काल था और स्टोर पे मैं काम कर रही थी, और एकदम गुरु जी की आवाज आई, उस आंटी ने फोन कर, और संगत जी मैंने उन आंटी को फोन किया। उन आंटी के अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, बट गुरु जी ने उनको इतना सत्संग सुनवाए, ये गुरु जी की कॉलिंग थी। और उस आंटी ने जब पॉजिटिव हो गई तो क्या बात बताई कि आंटी मैं ना सुसाइड करने वाली सी, बस गुरु जी दे चरणा च सुसाइड नोट रखा, ते गोलियां मेरे हाथ च सी ते ना पानी दी बोतल। तो पता नहीं क्या हुआ कि आपका कॉल उठा लिया। तो देखो आज, अब आंटी का लास्ट ईयर शादी भी हुई है,
तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 कि गुरु जी, हमें लगता है हमारा दिमाग बोलता है नहीं, वो गुरु जी की कॉल होती है। गुरु जी किसी की जान बख्शते हैं और वो गुरु जी करवाते हैं, हम कोई नहीं करते। तो रूपाली आंटी का शुक्राना, वो भी सत्संग अभी याद दिलाया गुरु जी ने, तो लख लख शुक्राना लोहड़ी की और मकर संक्रांति की। जय गुरु जी तृप्ता आंटी, जय गुरु जी रूपाली आंटी, जय गुरु जी सारी संगत, शुक्राना। संगत जी, एक शुक्राना मैं भी करना चाहूंगी। ये एक सत्संग है संगत जी, मैं 12 तारीख को इंडिया आ रही थी और मैंने गुरु जी के दरबार में, मेरी बेटी के घर दरबार लगा हुआ है यूएस में, तो मैं गुरु जी को माथा टेकती हूँ और गुरु जी को कहती हूँ, गुरु जी सफर पे चल रहे हैं और आप मेरे साथ चल रहे हो, आपके कदमों के पी आप आगे रहना, मैं पीछे रहूंगी, आपके कदमों के साथ कदम मिला के मैं भी चलूंगी, अंग संग सहाय रहना। मैं ये अरदास करके प्रभु के चरणों में, और हाँ लो इंडिया के लिए रवाना हो गए। और जब मैं इंडिया एयरपोर्ट से बाहर निकली और कैब ली, संगत जी जैसे ही कैब ली, एक गाड़ी जय गुरु जी मेरे आगे और दूसरी गाड़ी मेरे पीछे जिस पे जय गुरु जी लिखा हुआ। और मैं अपनी डॉटर इन लॉ को कहती हूँ, देखो देखो देखो, एक जय गुरु जी की एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, मेरे गुरु जी को मैंने बोला था ना कि आपके कदमों के साथ कदम मिला के चलेंगे। मेरा रब जैसे ही एयरपोर्ट से निकले, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मैं तेरे नाल चल रहा हूँ। पूरे रास्ते में और कोई गाड़ी नहीं दिखी जय गुरु जी की, सिर्फ एयरपोर्ट से निकलते ही एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे। तो मेरा रब सुनता है, मेरे रब से प्यार से बात करके देखो संगत जी, बहुत किस्मत वाली संगत है जो रब के चरणों में आके बैठ गई है, जिसके मुख से जय गुरु जी निकलता है। जय गुरु जी बोलना आसान नहीं है, रब की इजाजत होगी तो आपके मुख से जय गुरु जी निकलेगा। हम बहुत किस्मत वाले हैं, रब से बात करके तो देखो, प्यार चाहिए, भाव चाहिए। मैं शुक्राना करती हूँ उस मालिक का कि मेरे मालिक, तुम आपने सेफली लैंड करवा दिया, आपने अपना दीदार करा दिया उतरते के सारी, और आपने मुझे बता दिया कि मैं तेरे नाल नाल चल रहा हूँ। शुक्राना करती हूँ उस मालिक का, बहुत शुक्राना करती हूँ। कुलविंदर जी, आप अनम्यूट कर पाएंगे? जय गुरु जय गुरु जी। जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूपाली आंटी, तृप्तांती, इट वॉज अ ब्यूटिफुल सत्संग। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी हर पल दा, बहुत बहुत लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संग जी, और भी किसी ने करना हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। शुक्राने में बहुत ताकत है संग जी, कोई कोई अगर सत्संग नहीं भी है ना, तब भी आप प्रभु का शुक्राना करो। मालिक तूने ये घड़ियां, ये पल, ये सांसें हमें बख्शी हैं, तेरा शुक्राना दादा। रूपाली आंटी ने सत्संग सुनाया कि उन्होंने 1 साल दे दिया। अरे कभी कभी डॉक्टर से बोल के देखो, 1 सांस बढ़ा दे, कभी नहीं बढ़ा सकता। 1 सांस खरीदी नहीं जा सकती, किसी की ताकत नहीं जो 1 सांस बढ़ा दे। और मेरा रब किसी को 1 साल दे देता है, किसी को 5 साल दे देता है, किसी संगत को 10 साल दे देता है। रघुबीर अंकल के फादर इन लॉ को 5 साल दिए थे, फादर को, सॉरी नॉट फादर इन लॉ, फादर को 5 साल दिए थे। तो ये मेरे रब की शक्ति, मेरे रब की ताकत, मेरे रब की रहमत, ये संगत जी है, भागो वाले का नसीब होती है। और उनमें से हम पूरा गुरु परिवार भी है। जय गुरु जी। संग जी, नहीं तो फिर आज्ञा ले लेते हैं। जय गुरु जी, ओवर टू सेवादार संगत। आज्ञा गुरु जी, आज्ञा संगत जी।